hello friends welcome to studygram if you like our video do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon a workshop on enabling the procedures for increasing the steel usage for the growth of economy was organized by the ministry of steel in partnership with the government of japan and the confederation of indian industries so friends before we start our discussion do not forget to like and subscribe to our youtube channel as well as our telegram channel known as studygram1 you can download our study material from our telegram channel so today we'll be talking about mission purvoday it is also known as accelerated development of the steel sector and mainly it focuses on developing the eastern region जो इंडिया की ईस्टर्न बेल्ट है उसको एक स्टील हब कैसे बनाया जाए इस बारे में है ये मिशन पूर्वोदय सो so, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने इस मिशन को अनवेल किया है इसी साल ईयर 2020 में टू डेवलप इंडिया इनटू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब सो so, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यह है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक इंटीग्रेटेड स्टील हब बन जाए और वो भी जल्दी से As पर the नेशनल स्टील पॉलिसी which was formulated इन the ईयर 2017, it इट एम्स टू इंक्रीज per पर कैपिटल स्टील to टू kgs by year ईयर सो नेशनल स्टील पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने चूज किया है हमारी कंट्री का ईस्टर्न बेल्ट बिकॉज दे थिंक दैट इंडिया की जो ईस्टर्न बेल्ट है उसमें इतनी कैपेसिटी है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो सेवेंटी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा इंक्रीज ला सकता है स्टील के यूटिलाइजेशन में सो इन इंडिया इज मार्च टूवर्ड्स अ फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी द ईस्टर्न स्टेट्स कैन प्ले अ मेजर रोल वे द स्टील सेक्टर कैन बिकम द कैटलिस्ट So, the proposed integrated steel hub will include states like Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, and Northern Andhra Pradesh. This will help in the development of the five trillion economy for India. Under the Mission Purvodaya program, government aim kar rahi hai to transform the logistics and the infrastructure utilities, which would in turn change the socio-economic landscape of the eastern. इंडिया रीजन एंड द स्टेप्स विच वुड बी टेकन अंडर दिस मिशन इंक्लूड्स द ग्रोथ ऑफ स्टील इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ तो होगा ही प्लस ऑल्सो इट विल इंप्रूव द इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल इन दिस रीजन और इस मिशन से इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको हेल्प होगी ग्रोथ में एक फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में इस हब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टील की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए प्लस इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए जिससे कि दोनों कॉस्ट एंड क्वालिटी में हमें बेनिफिट हो जैसे कि हम लोग ने नेशनल स्टील पॉलिसी टू सेवेंटीन पहले भी पढ़ा था इसका एम क्या है सेल्फ सफ़िशिएंट बनाना इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को और ग्रोथ ऑफ स्टील इंडस्ट्री होगी इससे क्या होगा इम्प्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी इस रीजन में सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इस रीजन की आल्सो रिड्यूस डिस्पैरिटी बिटवीन ईस्टर्न एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री we hope you liked this video and it was useful if you have any queries or concerns do not forget to comment in the comment box below and we'll get back to you shortly and yes do not forget to like and subscribe to our youtube channel and the telegram channel by the name studygram1